नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि SBI कस्टमर सर्विस पॉइंट क्या होता है, जिसको कई लोग SBI कियोस्क भी बोलते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि आजकल जितनी भी ब्रांच हैं, उस ब्रांच से दो तीन कियोस्क हमेशा अटैच होते हैं, जो कि ब्रांच का काम करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल 100,000 से ज़्यादा कियोस्क और CSP पॉइंट्स हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ब्रांच 25,000 के करीब है, लेकिन टोटल जो कियोस्क है वो 4 गुना है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोग इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, SBI कस्टमर सर्विस पॉइंट CSP पॉइंट SBI आपको फ्री में देता है। इसका SBI कोई भी चार्ज नहीं काटता आपसे। तो इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में कई सारे एजेंट मार्केट में घूम रहे हैं, जो कि लाखों रुपए ले लेते हैं लोगों से, और ना उनको CSP पॉइंट मिलता है, ना SBI कियोस्क पॉइंट मिलता है, और वो लोग परेशान होते रहते हैं। अब मैं एक एक करके बात बताता हूँ कि आखिर क्या क्या काम किया जाता है SBI कियोस्क में। देखिए कि SBI CSP पॉइंट धीरे धीरे करके बैंक ने बहुत सारे काम SBI CSP पॉइंट पर ला दिए हैं। इनिशियली तो क्या होता था, 3 काम ही होते थे, अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट। लेकिन अब इसके साथ साथ और भी कई सारे काम जोड़ दिए। पासबुक प्रिंटिंग, आप जानते हैं SBI में पासबुक प्रिंटिंग करवाना एक बहुत बड़ा काम है। मतलब अगर आप पासबुक प्रिंटिंग करवा रहे हैं तो एक पासबुक प्रिंटिंग के एक पेज के 5 रुपये SBI आपको देता है। यानी कि इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल है पैसा कमाने का। लोन रिकवरी के लिए आजकल CSP पॉइंट्स को लगाया जाता है। मतलब जो भी खाते खराब हो जाते हैं उनकी रिकवरी, जितनी भी CSP पॉइंट लेके आते हैं उसका कुछ कमीशन मिलता है। आप फिक्स्ड डिपॉजिट RD क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी कस्टमर की आप CSP पॉइंट पर फिक्स्ड डिपॉजिट क्रिएट कर सकते हैं। HLC होम लोन काउंसलर, मतलब यानी कि आप ब्रांच को होम लोन सोर्स करके दे सकते हैं और आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। आज की डेट में बैंक 0.3% तक कमीशन देता है। मतलब अगर आप 1 करोड़ का कोई होम लोन सोर्स करते हैं या 1 करोड़ के 5 होम लोन सोर्स करते हैं तो 30,000 रुपये की आपकी इनकम हो गई, जो कि बिल्कुल ही, यानी कि आप सिर्फ CSP पॉइंट चला रहे हैं और 30,000 की एक्स्ट्रा इनकम। प्लस अगर आप जब आप CSP पॉइंट होते हैं तो आप किसी ना किसी ब्रांच से अटैच होते हैं, तो उस ब्रांच का भी डे टू डे वर्क भी आपको मिल सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, फसल बीमा का काम आपको करने को दे दिया जाता है, ब्रांच में ऑडिट होती है तो कुछ काम CSP को दे दिया जाता है, तो वहाँ से भी आपकी एक इनकम शुरू हो जाती है। तो मतलब जो व्यक्ति काम करना चाहता है और जो काम कर रहा है सिंसियरली, वो आज की डेट में 50,000 से 1,00,000 रुपये तक CSP पॉइंट के अंदर आराम से कमा रहा है। यानी कि इतना पैसा है कि जो कमाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो करो। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी की आप 12th class पास होने चाहिए। अब दूसरा, एक IIBF का एग्ज़ाम होता है, IIBF और BC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आज की डेट में आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पहले ही क्लियर कर लें। बहुत आसान एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का एप्लीकेशन ऑनलाइन ही हो जाता है और आप किसी भी सेंटर पे, CSC सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपने किसी भी बैंक के किसी लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और आपका या तो खुद का एक प्रमाइसिस हो या आपने लीज पर कोई प्रमाइसिस ले रखा हो। सिविल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बैंक किसी भी उस व्यक्ति के साथ रिलेशन नहीं रखता जिसकी सिविल ख़राब हो। अब बात आती है क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। देखिए, तब आप CSP पॉइंट खोलते हैं तो आपको सबसे पहले एक लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए होता है, एक स्कैनर चाहिए होता है, एक प्रिंटर चाहिए होता है, एक मॉर्फो डिवाइस चाहिए होता है। और आज की डेट में आप अगर यदि पासबुक प्रिंटिंग भी शुरू हो चुकी है तो पासबुक प्रिंटर भी आप रख सकते हैं। अब ये सारे जो इक्विपमेंट आप रखते हो, इसके लिए भी बैंक आपको लोन दे देता है, जैसे ही आपका BC और CSP पॉइंट बैंक आपका जारी कर देता है। तो यानी कि इसके लिए भी बैंक आपको अलग से 2-3 लाख का लोन दे देता है, जिससे आप अपनी वर्किंग कैपिटल और ये सारे इक्विपमेंट खरीद सकें। अब बात आती है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम मैंने कहा था कि IIBF, BC और BF का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए।
पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट, पुलिस वेरिफिकेशन, लीज और जो आपका जिस भी प्रमाइसिस में आप करोगे उसका प्रूफ, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और आपकी अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए विलेज या टाउन जहाँ भी आप रहते हैं, ताकि ब्रांच मैनेजर को लगे कि आप अच्छे से अच्छा बिजनेस सोर्स करेंगे और आप हमेशा बैंक के हितेशी बन के रहेंगे। अब बात आती है कमीशन की कि भाई कितना कमीशन मिलता है, किस चीज़ पर कितना कमीशन। अब कमीशन की बहुत लंबी लिस्ट है क्योंकि आज की डेट में हजारों काम होते हैं सीएसपी पर। मैं आपको मेन मेन कमीशन बताता हूँ कि किस पर कितना कमीशन मिल रहा है। जैसे एक अकाउंट ओपनिंग पे आपको 20 रुपये मिलते हैं, ये आप लिस्ट देख सकते हैं। मैं आप आरडी करते हैं तो 15 रुपये आरडी पर मिलते हैं, एसटीडीआर पे आपको 5 रुपये और मैक्सिमम 50 रुपये मिल सकते हैं, कैश डिपॉजिट पे 2 रुपये से 12 रुपये, कैश विड्रॉल पर 3 रुपये से 20 रुपये तक, आधार सीडिंग भी आप कर सकते हैं, 5 रुपये पर आधार सीडिंग पे मिलते हैं, मोबाइल सीडिंग पे भी 5 रुपये मिलते हैं, और जो जनहित की जो योजना है APY, PMSBY, PMJJY, उनके भी अच्छे खासे कमीशन मिलते हैं। आप किसी भी व्यक्ति का ग्रीन पिन भी जनरेट करा सकते हैं, और पासबुक प्रिंटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है 5 रुपये पर पेज मिलते हैं, यानी कि आप अनलिमिटेड पासबुक छापें और अच्छा खासा कमीशन कमाएं। अब बात आती है कि इसके अलावा और क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि आपने अगर आप सीएसपी अपॉइंट होकर आपने अकाउंट खोले हैं कुछ, आपने 5000-2000 अकाउंट खोले, तो वो जो अकाउंटों में बैलेंस रहेगा भविष्य में हर महीने उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। मैं एक ऐसे सीएसपी को जानता हूँ जो आज की डेट में जिसने काम करना कम कर दिया, लेकिन आज से 5 साल पहले वो बहुत ज़्यादा काम करता था और उसने लगभग 10,000 के करीब अकाउंट खोले हुए हैं SBI के। आज की डेट में उसको 20,000-25,000 का कमीशन सिर्फ वो अकाउंटों में जो बैलेंस होता है उसकी वजह से आ जाता है। मतलब आप अकाउंट खोले लगातार, आप ये मत सोचे कि वो 20 रुपये ही आपको मिलेंगे एक अकाउंट ओपनिंग के, उन अकाउंटों में जो बैलेंस रहेगा भविष्य में उसका हर महीने कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो यानी कि मैं खुद एक दिन मैं सोचने लगा कि इतना ज़्यादा पैसा इसको कैसे मिल रहा है, तो पता चला कि इस वजह से मिल रहा है। तो आप मेहनत करें, मेहनत कभी जायज़ नहीं जाती। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन में आपकी जो बेसिक इक्विपमेंट जो मैंने डिस्कस करे थे उन्हीं की कॉस्ट आती है, और उसके लिए भी बैंक आपको लोन दे देता है। अगर आपके पास खुद के पास है तो आप जीरो कॉस्ट पे अपना SBI कियोस्क पॉइंट शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम क्या करें, किससे मिले। मैं आपको अभी चेतावनी दे देता हूँ कि अगर आपको चाहिए SBI CSP पॉइंट तो आप सिर्फ ब्रांच में ही डील करें। आप CSP पॉइंट के लिए सीधा ब्रांच मैनेजर से मिले, कहीं भी किसी भी एजेंट, कमीशन एजेंट, डायरेक्ट कंपनी के पास ना जाएं, आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से मिलें कि साहब मुझे CSP पॉइंट चलाना है आपके एरिए में, मुझे गाइड करें। तो ब्रांच मैनेजर आपको जो कहे कि आप इस कंपनी से कांटेक्ट करें, इस पर्सन से कांटेक्ट करें, आप उसी से कांटेक्ट करें, क्योंकि आज की डेट में हजारों कंपनियां ऐसी हैं जो फर्जी कंपनियां हैं, जो बोल देती है हम SBI CSP पॉइंट आपको 1,00,000 में दिला देंगे, 2,00,000 में दिला देंगे, और वो आपका पैसा भी लूट लेती है और आपको ना तो CSP पॉइंट मिलता है ना कियोस्क मिलता है, आप सिर्फ पछताते रह जाते हैं। सीधा अगर CSP पॉइंट चाहिए, सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट है आपके नियरेस्ट जो ब्रांच है SBI की, आप सिर्फ उस ब्रांच मैनेजर से बात करें। और हाँ, जब भी आप बात करें तो थोड़ा पेशेंस रखें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम गए कि हमें तो CSP पॉइंट चाहिए और आज ही चाहिए। थोड़ा टाइम दें, 1-2 महीने का टाइम दें, धीरे धीरे सारी प्रक्रिया करें, समझें चीज़ों को, फिर उसके बाद आप वो करें। एकदम इम्पेशेंट ना हो जाए कि मुझे आज ही CSP पॉइंट चाहिए, और उसके चक्कर में आप एजेंट और ये फर्जी कंपनियों के चक्कर में आ जाते हैं और अपना पैसा डुबो देते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि मान के चलिए SBI CSP पॉइंट आपको नहीं मिल पा रहा, तो निराश ना हो आप। मैं आपको स्पाइस मनी की फ्री में आईडी दे रहा हूँ, रिटेलर आईडी। आप सिर्फ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करें, रिटेलर आईडी आपको फ्री में मिल जाएगी और आप अपना स्पाइस मनी का काम शुरू कर सकते हैं। स्पाइस मनी और SBI CSP पॉइंट में ये अंतर है कि स्पाइस मनी में आप कोई अकाउंट नहीं ओपन कर पाएंगे और लेकिन स्पाइस मनी में आप जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब कुछ कर पाएंगे, पैन कार्ड की सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे, IRCTC की सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे।
अगर आप ऑलरेडी रिटेलर हैं तो आप सब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। सब डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं आपको स्पाइस मनी का फ्री में बना रहा हूं, सिर्फ आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करना है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ जो डिटेल चाहिए वो मैं आपको मैसेज करूंगा, आप वो मुझे सेंड कर देंगे, सेम डे मैं आपकी सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बना दूंगा। एक बार सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बन गई आपकी तो आप अनलिमिटेड रिटेलर्स को जोड़ सकते हैं, वो जो भी कमीशन कमाएंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको हमेशा लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अब बात आती है कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को देने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अगर आपको स्पाइस मनी की रिटेलर आईडी चाहिए या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, आप मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट दे दें, अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो सही ढंग से स्कैन किया हुआ, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी, एक वीडियो KYC और आपकी चेकबुक या पासबुक की मुझे फ़ोटो कॉपी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप मुझे व्हाट्सअप कर दें या मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, पता कर लें कि अगर आपको वीडियो KYC में कोई दिक्कत आती है, मैं आपको एक सैम्पल वीडियो KYC भेज दूंगा, उसके द्वारा आप देख के अपना वीडियो KYC बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।